हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स में लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसका पार्ट वन हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट इससे प्रीवियस लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं मैथमेटिक्स में, तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर उनको सिक्वेंशियली भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, तो इसकी अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो होता है कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल का, ये इसमें ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर सपोज कीजिए एक्स टी है आपका, तो उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम डिनोट करेंगे एक्सएस से, एक्स एस, और वो आपका डिफाइन किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक्स एस होगा या लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो जनरली आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की, एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, यही बेस है आपके लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी का, उसको अगर हम एक्सएस से डिनोट करें तो वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। एक्सएस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। और जहाँ पे जो आपका एस है, एस जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल है, या कह लें आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल है आपका। सो ये वेरिएबल है या लैपलेस ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है, और इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जियोटा ओमेगा। और कई बार ये छोटे मोटे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है सिग्मा क्या है, तो उसको आप ध्यान रख लें, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एटेन्यूएशन फैक्टर को, और जो ओमेगा है ये है आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकालेंगे किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, और एस जो है वहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या हम ये भी लिखते हैं एक्स टी, ये इस तरीके का बाई डायरेक्शनल साइन एल, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एस, इस तरीके से भी हम इसको डिनोट करते हैं। और अगर ये जो हमारा सिग्नल है, यानी कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इंटीग्रेशन की लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इस तरीके के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को हम कहते हैं बाइलेटरल और टू साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये कहते हैं इसको, अगर लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। इसी के साथ साथ अगर इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो जीरो टू इन्फिनिटी हो आपके और बाकी सब सेम हो, यानी कि एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये हो, तो इस तरीके के जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है जिसमें लिमिट जो है जीरो टू इन्फिनिटी होगी, यानी कि जीरो टू अगर इन्फिनिटी होगी, तो इस तरीके के लैपलास ट्रांसफॉर्म को कहेंगे हम वन साइडेड या फिर यूनिलेटरल, ठीक है, वन साइडेड और यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म इसको कहेंगे। इनके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है मैंने कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कुछ होते हैं हमारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो होप कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ इसको कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एल या लैपलेस ट्रांसफॉर्म जिस सिग्नल का निकालना है कंटिन्यूस टाइम का, एल एक्स टी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है आपका एक्स एस के इक्वल। इसी के साथ साथ अगर आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी कि एक्स टी को जनरेट करना है, वो होगा आपका एल इनवर्स ऑफ एक्स एस, ठीक है। इनके बारे में हम सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यूनिलेटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म, बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म, ये आपको जो यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है मैंने, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या आर ओ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना आप कह लें कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका सही वे में आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या आर ओ सी होती क्या है, तो द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस फॉर विच द लैपलेस ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस इज कॉल्ड आर ओ सी। जिन भी रेंजेस ऑफ वैल्यूज के लिए
या कह लें आप एस्किजिन वैल्यूज के लिए आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करता है, उनको आप आरओसी कहते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाना चाहूँ तो जो वैल्यूज होती हैं सिग्मा की, ठीक है, जिन वैल्यूज ऑफ सिग्मा के लिए कोई भी फाइनाइट वैल्यू अटेन करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपको बेसिकली डिफाइन होगा जब हम आगे फर्दर इसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए आरओसी होता क्या है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ये हमारे पास सिग्नल है और हमें इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए कंसिडर करते हैं, तो ये होगा एक्सेस इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब एक्स टी की जगह इसको पुट कीजिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी इन टू ई टू द पावर ये जो है माइनस एस टी इन टू डी टी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर, अगर यहाँ से आप माइनस टी कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस टी अगर कॉमन लेंगे अंदर क्या आपका बचेगा एस प्लस ए ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट इन टू टी और डी टी, ये आएगा ना आपको। अब आपने इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया था ई टू द पावर टी का फॉर्मूला क्या होता है कि सो जो ये है यानी कि माइनस टी के साथ में जो भी आपका कोफिशियंट है ये सब आपका पॉन में आ जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एस प्लस ए इंटू ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी, और फिर यहाँ पर लिमिट जो है वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यानी कि ई टू द पावर इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू होती है आपकी सिंपल टर्म में समझ लें जीरो, बस आप इतना समझ लें। तो यहाँ पर जनरली होगा क्या, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये आ जाएगी वन अपॉन एस प्लस ए, ये रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आर ई एस प्लस ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जीरो, अगर आर ओ सी में कैलकुलेट कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं आर ओ सी से एग्जाम्पल की क्या हो गई है, वो दी जाएगी आपकी आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, और अगर और बेटर वे में समझना है तो मैं इसका आपको एक प्लॉट या कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको डिजाइन करके बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स प्लेन जनरली होगा क्या आपका कि वही हमारे एक्सिस हैं और जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम लेते हैं आपके सिग्मा को यानी कि रियल वैल्यू को, और यहाँ पे लेते हैं जियो टर्म का यानी कि इमेजिनरी वैल्यूज को। तो हमारा ये रिजल्ट क्या आया था आर ओ सी का, आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए, यानी कि किन वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगा, तो माइनस ए जो है वो इस साइड में आएगा जाहिर सी बात है लेफ्ट हाफ में सिग्मा के, तो यहाँ पे अगर ये माइनस ए है तो आप आर ओ सी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर ओ सी जो होगी इस एग्जाम्पल की वो होगी यानी कि जो ये माइनस ए है इसका राइट साइड का एरिया, ये आपकी आर ओ सी होगी, जो शेडेड एरिया है जो मैंने शेडेड किया है तो वो आपका होगा इसकी आर ओ सी माइनस ए से राइट हैंड साइड। इसी के साथ साथ अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लें उसमें और आपको एक फर्क पता लग जाएगा कि आर ओ सी किस तरह होगा। आप सपोज कीजिए हमारे पास सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, यू ऑफ टी आपको पता है यू टी जहाँ पे, यहाँ पे यू टी आपको मैंने एक बार और बताया था, यू टी जो है वो होता है आपका स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट सिग्नल होता है, और यू ऑफ माइनस टी इसका रिवर्स हो जाएगा आपका। तो जनरली स्टेप इनपुट होता है क्या है आपका की वैल्यू जो है वन होगी इसकी स्टेप इनपुट, यानी कि एक्स टी की वैल्यू वन होती है अगर टी इज ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बढ़ के होगा तो इसकी वैल्यू वन होगी। इनके बारे में हम और डीप में अपने कंट्रोल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जनरली ये समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से ही स्टार्ट होगी, यानी कि जीरो पे वैल्यू वन होगी और उसके बाद फर्दर इसकी वैल्यू वन होगी, और एक्स टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जीरो होगी अगर टी इज लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से कम वैल्यूज के लिए एक्स टी की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर इस सिग्नल की हम बात करें एक्स टी जो है आपको ये दिया हुआ है, तो इसका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है।
तो लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए एक्सेस इज इक्वल टू काउंट निकाल लेंगे हम। एक्सेस इज इक्वल टू होगा आपका वो, आप ध्यान रख लें, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/s+a, सेम रिजल्ट मिलेगा जो मेरा लास्ट टाइम मिलेगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा, आपका res जो है वो लेस देन होगा -a से। ये इसमें फर्क है इन दोनों सिग्नल्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ROC जो होगी इसकी वो किस तरीके से शो की जाएगी, वो जैसे कि आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूँ। अब सपोज कीजिए ये है मेरा res -a, तो -a के केस में क्या होगा आपका, ये आपका सिग्मा और ये जोटा ओमेगा, यहाँ पर -a आपका होगा। तो -a के केस में क्या होगा, अगर res -a से लेस है तो लेफ्ट साइड एरिया जो है ये इसका ROC होगा, यानी कि इन वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगा ये इसकी ROC कहलाएगी। तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपने देखा है जो दो सिग्नल्स हैं मेरे, इनका रिजल्ट सेम आया है, एक ये वाला सिग्नल हो चाहे e^-a(t)u(-t), चाहे मेरा प्रीवियस वाला ये सिग्नल था जिसमें मेरा ये क्या था e^-at(ut), दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो है ROC का। इसकी ROC जो है वो है res, यानी कि s जो है वो ग्रेटर देन होगा -a, और इसके केस में क्या है आपका res जो है वो लेस देन है -a, यानी कि इसके लिए लेफ्ट हाफ हो गया और उसके लिए राइट हाफ हो गया। इस तरीके से ही हम इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज सिग्नल आपके सेम हो गए अगर आपने ROC डिफाइन नहीं की है। फर्दर और ROC का कॉन्सेप्ट आपको आगे के एग्जाम्पल जैसे जैसे आएंगे क्लियर होता जाएगा। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है आपका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वह है पोल्स एंड जीरोज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। पोल्स और जीरो जनरली होते क्या हैं, अगर एक्सेस को आप रेशनल फंक्शन में लिख दें इसके, यानी कि अगर आप इस तरीके से लिख दें एक्सेस इज इक्वल टू ए नॉट एस माइनस जेड वन, और इसी तरह एस माइनस जेड टू, ऐसे आप चलते जाए तो एस माइनस जेड एम अपॉन बी नॉट और s-p1, s-p2, और ऐसे ही आप लिख दें s-pn। और यहाँ पर जो ए के और बी के हैं, या ए नॉट और बी नॉट हैं, ए नॉट एंड बी नॉट, या फिर आप कह लें ए के और बी के, यानी कि अगर वैल्यूज के की मैं 0 1 कुछ भी पुट करता हूँ, तो ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके रियल कॉन्स्टेंट्स। और एम ऑन एम और एन जो हैं ये हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो जनरली होगा क्या, एक्सेस जो है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, अगर एन इज ग्रेटर देन एम, अगर n इज ग्रेटर देन m है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका ज्यादा है m से, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। अगर n इज लेस देन m हो गया, यानी कि m की वैल्यू बढ़ गई, न्यूमिनेटर आपकी बढ़ गई, तो ये आपका प्रॉपर फंक्शनल नहीं कहलाएगा, ठीक है, या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रख लें जो जेड के है, जो जेड एम ये वगैरह हमने डिनोट किया है, ये आपके शो करेंगे जीरोज को, और ये जो डिनोमिनेटर है ये आपके शो करेंगे पोल्स को। तो जीरोज और पोल्स ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, एक्स ये जो मार्क है ये इंडिकेट करता है आपका पोल्स को, और ओ जो है ये सिंबल जो है ये आपका डिनोट करता है आपके जीरोज को। तो जब हम ड्रॉ करेंगे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ओ जहाँ पर हमने मार्क किया होगा उसको आपसे समझना है कि वो जीरोज है, क्रॉस अगर हमने मार्क किया हुआ है तो उसे समझना है कि ये आपके पोल्स हैं, ठीक है। सो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर जो साथ साथ एग्जाम्पल आते जाएंगे उसमें हम इनको और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और बेटर तरीके से समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास जो एक लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो गिवन है, एक्सेस इज इक्वल टू है 2s+4 अपॉन s² + 4s+3। इसके मुझे पोल्स और जीरोस कैलकुलेट करने हैं, साथ ही साथ मुझे उनको ड्रॉ भी करना है, शो भी करना है जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें। सो इसमें आप देखें तो आप पहले तो आपको पोल्स और जीरोस कैलकुलेट करने, तो जो न्यूमिरेटर में है वो होंगे आपके जीरोस, और जो आपके डिनोमिनेटर में है वो होंगे आपके पोल्स।
पोल्स, ये आपको क्लियर है। सो यहाँ पे होगा क्या कि हम इसको सॉल्व करेंगे, 2s+4 ये होगा आपका s+1 और s+3 ये होगा यहाँ पे आपका। तो इसमें अगर आपको सबसे पहले जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो 2s+4 इसको आप जीरो के इक्वल पुट करिए, तो यहाँ से आपको s की वैल्यू मिल जाएगी -2, यही मिलेगी ना। उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक पोल है, एक जीरो है सॉरी। उसी के साथ साथ पोल्स की बात करें तो s+1 को इक्वेट कीजिए जीरो के, तो s = -1, और s+3 को इक्वेट कीजिए जीरो के, तो s = -3। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दो पोल्स हैं और एक जीरोज हैं। अब इनको हम शो करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये जे ओमेगा हो गया, ये आपका सिग्मा हो गया है। अब हमारा एक जीरो है तो इसको सबसे पहले हम पॉइंट आउट करेंगे। ये सपोज कीजिए -1 है, ये -2 है और ये -3 है, तो 2 पर हमारा क्या है, जीरोज है, तो 2 पे हम ये सर्किल मार्क कर देंगे तो ये आपका जीरोज को शो करेगा। उसी के साथ साथ दो पोल्स हैं, एक है -1 पर और एक है -3 पर, तो 1 पर होगा तो यहाँ पे क्रॉस -1 पे, और -3 पर भी क्रॉस, क्योंकि ये दोनों हमारे पोल्स को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में इनको शो करेंगे, पोल्स और जीरोज को, और कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ROC भी कैलकुलेट करें, तो ROC इस केस में हम आगे प्रॉपर्टी में डिजाइन करेंगे, तो RES जो होगा, ROC जो होगी वो होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि जो आपका, मतलब आप समझ लें कि जो आपका पोल है उस पोल में भी जो आपकी लार्जर वैल्यू है उससे बड़ा होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी में। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो -1 से ग्रेटर होगी, अगर -1 से ग्रेटर होगी तो ये होगा आपका राइट हाफ इसका, ये आपकी ROC, इस तरीके से ROC भी डिजाइन होगी। तो ये आपको होप कि क्लियर हुआ होगा पोल्स और जीरोस का कॉन्सेप्ट और ROC कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं ROC की, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से समझना है। तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ROCs की। अब जैसे कि हमने देखा है कि जो ROC होती है एक्सेस की, वो आपकी डिपेंडेंट है XT पर या नेचर ऑफ XT पर, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि जो ROC है डजंट कंटेन एनी पोल। इस पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किसी ROC में पोल्स होते हैं नहीं होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ROC में पोल्स नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टीज आ गई वो ये है कि अगर आपका XT जो है, यानी कि जो कोई सिग्नल है, अगर वो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि XT की वैल्यू जो है जीरो होगी एक्सेप्ट किस, मतलब अगर एक सिर्फ एक फाइनाइट ड्यूरेशन इंटरवल में ही उसकी वैल्यू होगी और उसके अलावा जीरो होगी, और वो फाइनाइट इंटरवल क्या होगा, एक्सेप्ट इन अ फाइनाइट इंटरवल, इंटरवल फाइनाइट इंटरवल क्या होगा, यानी कि T1 से लेकर, जो टी की वैल्यू है T1 से लेकर T2 के बीच में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और इसके अलावा उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो उस केस में जो ROC होती है वो ध्यान रखना है आपको, वो होगी एंटायर एस प्लेन, यानी कि पूरा का पूरा एस प्लेन उसकी ROC होती है। समझ गए हैं ये आप, एक्सेप्ट इसमें भी ध्यान रख लें, एक्सेप्ट पूरा का पूरा एस प्लेन होगी एक्सेप्ट s = 0 और s = इन्फिनिटी। जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के, s = 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के पूरा का पूरा एंटायर एस प्लेन उसकी ROC होगी। किस केस में, अगर XT जो है आपका फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, और फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल किसे कहते हैं कि एक फाइनाइट ड्यूरेशन में ही उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, उसके अलावा उसकी वैल्यू जीरो होगी। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज को अगर आपने समझ लिया तो आगे जितने भी आपके हमारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे, जितने भी पेयर्स के, वो आपके लिए बड़े ही ईजी हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर XT जो है वो आपका राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल से मतलब क्या है आपका कि XT जो है वो जीरो है, किसके लिए, फॉर अगर इस वैल्यू के लिए आपका जीरो है, यानी कि राइट साइडेड सिग्नल है, तो उसकी जो ROC होगी, यानी कि इन्फिनिटी से आपका छोटा है, तो
तो राइट साइड सिग्नल में क्या होगा, आपका मतलब इन्फिनिटी से लोअर वैल्यू यानी कि निगेटिव इन्फिनिटी वाली वैल्यूज आपको कंसिडर नहीं करनी है। एग्जाम्पल जब आते रहेंगे तो मैं इसमें आपको और फर्दर क्लियर करता जाऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि xt की वैल्यू जीरो है फॉर t इज लेस देन t1 और लेस देन इन्फिनिटी, इसके लिए आपकी जीरो है। तो इस केस में जो आपकी आरओसी होगी वो ध्यान रखें, तो जो इस केस में आरओसी होगी वो होगी ऑफ द फॉर्म की res जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आपका सिग्मा मैक्स। और जहां पे सिग्मा मैक्स क्या है आपका, ये है आपका मैक्सिमम रियल पार्ट ऑफ द पोल्स ऑफ एक्सेस। अब आप पीछे हम एक यहां से आप पे आपको क्लियर करता हूं। यहां पे हमने आपके कंसिडर किए थे पोल्स, दो पोल्स थे एस इज इक्वल टू -1 और -3। यहाँ पे हमने क्या लिखी थी आरओसी आपकी, आरईएस शुड बी ग्रेटर देन -1, यानी कि जो मैक्सिमम रियल पार्ट था पोल का वो था -1 और -3। -3 से तो बड़ा ही है ना -1, तो उसको हम कंसिडर करेंगे आरओसी, ना कि यहाँ पे हम -3 भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये राइट साइडेड सिग्नल है तो इसके केस में क्या करेंगे, जो आरईएस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा -1 के। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आरईएस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सिग्मा मैक्स, और सिग्मा मैक्स क्या है, मैक्सिमम रियल पार्ट, ये भी ध्यान रखना है, रियल पार्ट ऑफ द पोल्स ऑफ एक्सेस। और इसी के साथ साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी जो आती है वो है कि अगर आपका एक्सटी जो है वो आपका क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। लेफ्ट साइडेड सिग्नल का मतलब क्या हो गया इसमें, कि एक्सटी जो है वो जीरो है फॉर टी इज ग्रेटर देन t2 इज ग्रेटर देन -∞। इस वैल्यूज के लिए अगर जीरो है तो आरओसी जो होगी वो होगी आपकी किस फॉर्म में, आरईएस जो है वो लेस देन होगा आपका सिग्मा मिनिमम, यानी कि, और सिग्मा मिनिमम क्या है, सिग्मा मिनिमम क्या है आपका, ये है मिनिमम रियल पार्ट ऑफ एनी ऑफ द पोल्स ऑफ एक्सेस। जो आपका मिनिमम, कोई भी आपका जो पोल्स है उसका जो मिनिमम रियल पार्ट होगा किसी भी पोल्स का, उसकी वैल्यूज है। यानी कि जैसे जैसे आपको एग्जांपल्स आएंगे उसमें ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल मैं आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे थियोरेटिकल फॉर्म में, कि ये जब हमारे क्वेश्चंस में आएंगी तो आपको कोई और फील ना हो। यहाँ पे अगर आपका एक तरीके का कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा तो वहां पे एग्जाम्पल के थ्रू आप इजिली उनको इसको रिकॉल कर सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर XT को आपको डिफाइन करना है कि वो राइट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, या फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, इस तरीके से आपके कई सारी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। फिफ्थ एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है कि अगर XT जो है वो आपका टू साइडेड सिग्नल है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर टू साइडेड सिग्नल होगा आपका तो आप कह सकते हैं कि, या तो इसमें आप ये कह लें कि XT जो है वो एक आपका इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, या आप कह लें कि वो ना ही तो राइट साइडेड है और ना ही लेफ्ट साइडेड है, तो उस केस में जो आपकी आरओसी होगी वो होती है आरईएस जो है वो σ1 से बड़ा होगा और σ2 से छोटा होगा। और यहाँ पे σ1 और σ2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ टू पोल्स है, ठीक है। σ1 और σ2 क्या है, यही सेम है ऊपर जो हमने डिफाइन किया है, रियल पार्ट ऑफ टू पोल्स। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये जो प्रॉपर्टीज हैं, एटलीस्ट इसका जो बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना चाहा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इनके बारे में जो प्रैक्टिकल हम नॉलेज आगे एग्जांपल्स के थ्रू लेंगे उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम कॉमन सिग्नल। अब कुछ कॉमन सिग्नल्स को हम लेके बात करेंगे, यहाँ पे आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब हम कॉमन सिग्नल्स को लेके कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉमन सिग्नल है वो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, इसका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म मिला। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का क्या होता है कि जीरो पर ही इसकी वैल्यू, इसको डेल्टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी जीरो पे वैल्यू वन होती है, यानी कि डेल्टी जो है इसकी वैल्यू वन होती है फॉर टी इज इक्वल टू जीरो, और वैल्यू जीरो होती है इसके अलावा, ठीक है। यानी कि डेल्टी जो है जीरो पे ही वन होगा,
और इसके अलावा इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो इसका अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने लग जाएं तो आप ये कह सकते हैं इसका कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और इसकी वैल्यू होती है 1। यानी कि आप कह लें कि डेल टी जो है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और बेसिक सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे आपके यूज आएंगे। एक है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। इसको डिफाइन करते हैं हम, ये डिनोट करते हैं यूटी से, और यूटी के केस में अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और ये हो जाएगा अगर यूटी है तो लिमिट्स जो है वो 0 टू इन्फिनिटी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपकी यूटी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएंगी, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी ही अगर, क्योंकि ये आपको मैंने सिग्नल बताया था ना कि ये होता है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल की टी इज इक्वल टू, अगर टी इज ग्रेटर देन 0 से या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 1 होगी और सेम बाकी आ जाएगा मेरा, या इसे कह सकते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/s, और यहाँ पे जो इसकी आर ओ सी होगी वो होगी आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों होगी, क्योंकि जो एस आया है इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है, तो आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन 0 होगी, और इसके केस में आर ओ सी होगी वो होगी ऑल एस, यानी कि पूरा का पूरा एस हो जाएगा, जो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है। तो होप कि ये जो कुछ कॉमन सिग्नल्स के बारे में मैंने बात की है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ और कॉमन सिग्नल्स हैं, इनको आपको याद कर लेना है, इनको आप निकालने की खुद से कोशिश भी कीजिए, लेकिन सबसे बेटर वे जो है इनको वो यही है कि इनको आप याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनको ड्राइव करें, तो इसलिए एक तरीके से फॉर्मूला के तौर पे ही इनको आप याद कर लें। जो पहला है कुछ हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सिग्नल आएगा एक्स टी, और यहाँ पर उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे उसकी आर ओ सी को हम डिफाइन करेंगे। पहला सिग्नल है हमारा वही डेल टी, उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है यानी कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ने पहले बताया उसका 1 था, और आर ओ सी जो होगी वो ऑल एस होगी। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है यू टी, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन, इसकी जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म था उन्होंने निकाला है वो है 1/s, और इसके केस में जो आर ओ सी है इसकी वो होगी आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके बाद एक और फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, माइनस यू माइनस टी इनवर्स होता है इसका। सिग्नल एंड सिस्टम का अगर हम चैप्टर करेंगे तो उनमें इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डीपली। यू ऑफ माइनस टी इसका भी सेम रिजल्ट आता है 1/s, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, वो आएगा आर ओ सी में, तो इसकी आर ओ सी होगी आर ई एस शुड बी लेस देन 0। उसी के साथ साथ एक और सिग्नल है मेरा, वो है आपका टी यू टी, तो टी यू टी होता है 1/s² आर ई एस इसका होगा ग्रेटर देन 0। अब टी यू टी का इसका किस तरीके से आया, तो इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ कि यहाँ पे अगर टी स्क्वायर आ जाए, टी क्यूब आ जाए, टी की पावर 4 आ जाए, तो वो होता है टी की पावर एन यू टी। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसके लिए आप ध्यान रखें, वो होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, और आर ई एस इस केस में वही होगा ग्रेटर देन 0, जैसे आपने टी का निकाला है यहाँ पे। तो टी की का अगर आप ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी 1 है तो 1 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 1+1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 आ गया है, और एस की पावर 1+1 2s² इस तरह s² ut t³ ut किसी का भी आप फाइंड कर सकते हैं, इन पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। उसके बाद है आपका ई टू द पावर माइनस एटी यू टी, स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में ही मैंने इसका डिस्कस किया था, उसका ध्यान रखें, अभी होता है 1/s+a, और इस केस में आर ई एस आर ओ सी जो होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस ए। और इसी तरीके से एक और है आपका ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, लेकिन यहाँ पर भी इसमें माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको, माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसका रिजल्ट भी सेम होता है 1/s+a, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि इसकी आर ओ सी जो होगी वो होगी आर ई एस शुड बी लेस देन माइनस ए। इनमें फ़र्क आपको ये समझना है, और अगर आपको ये रिजल्ट्स ध्यान है तो आप आगे देखेंगे कि कितनी आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इसमें एक और सिग्नल है, वो है टी ई टू द पावर -80 UT, यानी कि इसमें टी की भी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। तो जब टी की मल्टीप्लिकेशन होगी तो वही होगा, ये था ई टू द पावर -80 UT का था S+A, और अगर इसमें टी की मल्टीप्लाई हो गई तो ऊपर ही पावर हो जाएगी S² और RES जो होगी, यानी कि जो इसकी ROC होगी वो होगी ग्रेटर देन -A। इसी के साथ साथ सिग्नल आ जाए आपका -TE^(-80UT), इसका क्या होगा आपका, सेम रिजल्ट आएगा S+A², डिफरेंस कहाँ आएगा ROC में, ये हो जाएगी <-A। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है cos⍵0TUT, डायरेक्टली जितने भी मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ उन पर डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज होते हैं, खास तौर पे BSNL JEE एग्जाम के लिए या फिर बड़े एग्जाम में भी डायरेक्टली ही क्वेश्चन इन पर अराइज होते हैं। तो आप, अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान है तो आप इजीली उनको आंसर कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड। तो इसका होगा आपका cos⍵0TUT का होगा, ध्यान रखिए इसमें आएगा S/S² + ⍵0² ये आपको ध्यान रखना है। और इस केस में RES जो है वो ग्रेटर देन होगी 0। इसी तरीके से साइन के केस में sin⍵0TUT, इसके केस में यहाँ पे S/S² + ⍵² ⍵0² है, इसके केस में होगा आपका ⍵0S² + ⍵0² ये दोनों में डिफरेंस है और ROC लगभग सेम ही होगी इनकी दोनों की। उसके बाद एक और सिग्नल E^(-80cos⍵0TUT), इसका जो होगा वो यही होगा कि जहां पर भी आप देखते थे E^(-A) जहां पे आया तो S+A हो जाता है, तो इसी के केस में भी ऐसा ही होगा, कॉस का केस है तो जहां पे ऐसे है वहां पर S+A कर दीजिए आप, बस S+A/S+A² + ⍵0² ये इसका हो गया। और RES जो होगी यानी कि इसकी ROC जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी -A के। इसी के साथ साथ एक और है हमारा E^(-80sin⍵0TUT), इसके केस में मैंने बताया था S को चेंज करना है, रिप्लेस करना है S+A से, यहाँ पे ⍵0 है तो सेम रहेगा, नीचे ही बस चेंज होगा S+A² + ⍵0² और इसकी जो ROC होगी वो भी आएगी RES शुड बी ग्रेटर देन -A। तो ये कुछ कॉमन रिजल्ट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको याद करना है। होप कि आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम अगर बात करें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हैं तो बहुत ही इजीली आप उन सभी को आंसर कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर सपोज कीजिए कोई आपका सिग्नल XT है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म XS होगा, और अगर कोई आपका सिग्नल X1T है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म X1S होगा, X2T है कोई सिग्नल उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपका X2S होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक सबसे पहली जो मेरी प्रॉपर्टी आती है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपका सपोज कीजिए जो सिग्नल है वो ये है A1X1T + A2X2T, ये आपका सिग्नल है, तो जो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा A1, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम रहेगी, X1T का मैंने बताया X1S हो जाएगा, इसी तरीके से A2 सेम रहेगा, X2T का X2S हो जाएगा, ये आपकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जब अगर कहीं पे दो आपके सिग्नल्स हैं उनमें सम हो रहा है तो उसको आप जनरली इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज इवन सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। टाइम शिफ्टिंग क्या है कि अगर टाइम डोमेन में ये XT था और यहाँ पे T-T0 हो जाए, टाइम डोमेन में अगर कुछ शिफ्ट हो रहा है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें क्या होगा E^(-S^T0XS), ये इसमें आपका आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका जैसे एक्सेस आता था ना, तो यहाँ पे E^(-S^T0XS) आ जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आपकी आ गई है शिफ्टिंग इन एस, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी कि X S-S0 हो जाए, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपका आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा टाइम डोमेन में क्या होगा उस सिग्नल में E^(-S^0TXT) ये हो जाएगा, ये आप कह लें। उसी के साथ साथ ये
प्रॉपर्टीज जो हैं जब हम न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी आपका इजीली समझ में आती जाएंगी जब हम इनका यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और आपकी प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में आपका होगा क्या कि एक्स ऑफ ए टी अगर आपका है तो इसको आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा 1/a, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में 1/a एक्सेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके आगे देख लेते हैं हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। टाइम स्केलिंग हो चुका है हमारा, अभी एक प्रॉपर्टी है आपकी टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में होगा क्या, टाइम रिवर्सल यानी कि एक्स ऑफ माइनस टी हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे एक्स ऑफ टी था, अब ये एक्स ऑफ माइनस टी होगा, टाइम रिवर्सल हो जाए तो आपका जो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो भी होगा एक्स ऑफ माइनस एस, ये रहेगा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंशिएशन इन टी। अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो जाए, ये होगा यानी कि डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स टी अगर आ जाए तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है कि एक्सेस के साथ में आपको एस से मल्टीप्लाई करनी है। ये याद रखना है आपको, एस एक्सेस होता है, एक्स के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी फ्रिक्वेंसी डोमेन में। और इसी के साथ साथ है अगर आपका डिफरेंशिएशन इन एस, एस डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन हो जाए आपका, यानी कि डी अपॉन डी एस ऑफ एक्सेस हो जाए आपका, तो इस केस में टाइम डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा, वो होगा माइनस के टी ऑफ एक्स टी विद नेगेटिव साइन। आपको ध्यान रखना है माइनस के टी ऑफ एक्स टी होता है। और उसी के साथ साथ एक और है आपका इंटीग्रेशन इन एस। अगर एस में इंटीग्रेशन हो जाए तो उस केस में आपका क्या करेंगे, सॉरी इसमें इंटीग्रेशन इन टी करते हैं, इंटीग्रेशन इन टी। इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ये है लिमिट माइनस टी टू टॉ या टी तक कर लें आप इसको, टी एक्स टी और एक्स टॉ डी टॉ, ये आपका सिग्नल है। माइनस इंफिनिटी टू टी आपकी लिमिट है और ये है एक्स टॉ डी टॉ। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये करना है आपको एक्स वन अपॉन एस एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस है उसमें यहाँ पे डिवाइड करना है एस से। सिंपल अगर वर्ड्स में कहूँ तो इंटीग्रेशन में आपको एस से डिवाइड करना है एस फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और डिफरेंशिएशन में आपको मल्टीप्लाई करना है एस से। ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है आपका कॉन्वोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, ये है एक्स वन टी, कॉन्वोल्यूशन का साइन होता है ये स्टार, एक्स टू टी। अगर कॉन्वोल्यूशन हो रहा है दो सिग्नल के बीच में तो कुछ नहीं, एक्स वन एस इंटू एक्स टू एस, ये आप लिख दीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब दोनों सिग्नल का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉन्वोल्यूशन के इक्वल होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन इनके ऊपर भी आ जाते हैं, इवन गेट लेवल के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करें। तो होप कि आपको क्लियर हुए होंगे, काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद है कुछ एग्जाम्पल्स हमारे, ताकि आपको ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये ध्यान से क्लियर हो सकें, समझ में आ सके आपको कि हमने जो कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, जो कुछ डायरेक्टली आपके रिजल्ट्स बताए हैं, उन पे को अप्लाई करके आप कैसे इजीली आंसर पा सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के। तो सपोज कीजिए एक मेरे पास सिग्नल है एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू टी यू टी प्लस ई टू द पावर माइनस थ्री टी यू टी, ये आपके पास सिग्नल है और आपसे कह रहा है कि इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है, एक्सेस फाइंड करना है क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बताया था आपको ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का क्या था, 1/s+a था। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे पहले तो आपको देखना है ये सिग्नल कौन सा है। अगर यू टी है ये आपका, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो पहला सिग्नल है ये आपका क्या है, राइट साइड सिग्नल है, ये भी राइट साइड सिग्नल है। तो इस केस में क्या होगा आपका, ये होगा 1/s+2 प्लस इसका ई टू दावर माइनस ए टी यू टी का था ना 1/s+a, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है माइनस टू, तो यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा, यानी कि 1/s+2। इसी तरीके से हो जाएगा 1/s+3। इसके केस में जो इसकी आर ओ सी होगी वो होगी आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू, और इस केस में आर ई एस यानी कि इसकी क्या होगी, आर ओ सी होगी ग्रेटर देन माइनस थ्री। ये सिंपल क्या है ना, हमने जैसे हमने किया था आर ई एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है टू, तो ये माइनस टू से बड़ी होगी और यहाँ पे माइनस थ्री से बड़ी होगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आर ओ सी जो है वो ओवरलैप है,
ओवरलैप का मतलब क्या हो गया कि अगर इसको आप सॉल्व कर लें पहले, एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे नीचे आपका क्या आ जाएगा, एस प्लस टू और एस प्लस थ्री, ऊपर आ जाएगा आपका ये 2s प्लस 5, या इसको आप लिख सकते हैं s प्लस 2 कॉमन ले लें तो s प्लस 5/2। तो अगर ओवरलैप है तो ROC जो होगी वो किसके इक्वल होती है आपकी, मैंने बताया था जो आपका अगर राइट साइड सिग्नल है तो जो हाईएस्ट यानी सिग्मा मैक्स था उससे इक्वल होगी, तो इसकी ROC जो होगी वो होगी RA शुड बी ग्रेटर देन -2। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी ROC कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे मैं या तो -2 चूज कर सकता हूँ या -3 चूज कर सकता हूँ। -2 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये आपका बड़ा यानी कि पोल्स में सबसे बड़ा जो एक कोई फैक्टर है वो -2 है, उसके बाद -3 आएगा तो इससे बड़ी तो होगी ना, यानी कि -2 से बड़ी होगी। यही मैंने आपको ROC के प्रॉपर्टीज में डिफाइन किया था। अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि ROC जो है वो -2 से बड़ी होगी, -3 से बड़ी नहीं, -2 से बड़ी होगी तो -3 से तो अल्टीमेटली ही बड़ी होगी वो। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है। इसी तरीके से आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक और सिग्नल है आपके पास, एक्स टी इज इक्वल टू है e^-3t ut, ये आपके पास सिग्नल है, प्लस e^2t एंड u(-t), ये आपके पास सिग्नल है, तो आप इसकी ROC कैसे निकाल लेंगे और साथ ही के साथ इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो कैसे निकाल लेंगे। तो इसका पता है आपको क्या होता है, 1/s+3 यानी कि s प्लस ही आ जाएगा, और ये क्या था, e^2t u(-t). अब मैंने आपको बताया था -e^-at u(-t) का, वो था 1/s+a, सेम था वो, लेकिन यहाँ पे एक तो माइनस साइन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे इसके केस में, आप सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस साइन लगाएंगे तो ये -1 आ जाएगा, 1/ यहाँ पे s-a था तो यहाँ पे प्लस साइन था, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ये सिंपल है ना भाई, वहां पे क्या था, e^-at था तो यहाँ पे 1/s+a था, अब यहाँ पे e^+at कह लें या 2t कह लें तो यहाँ पे विद नेगेटिव साइन आएगा ना, ये है। तो अगर इनके ROCs की बात करूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, तो इसकी ROC क्या होगी आपकी, RA शुड बी ग्रेटर देन -3, ये होगी ना, क्योंकि राइट साइड सिग्नल हो गया आपका। और इसकी ROC क्या होगी, इसकी ROC होगी आपकी RES, ये जो इसकी ROC होगी वो होगी RES शुड बी लेस देन 2, क्यों, क्योंकि आप s माइनस 2 को 0 को इक्वेट करेंगे तो s इज इक्वल टू 2 होगा, तो RES इज लेस देन 2, यानी कि ROC जो होगी वो क्या होगी आपकी, -3 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि जो ROC है वो ओवरलैप है, जैसे लास्ट केस में हो रही थी, और ओवरलैप है तो ROC किस केस में क्या होगी कि -2 से तो बड़ी होगी लेकिन 3 से आपकी छोटी होगी। स्केच अगर आप करेंगे इसको तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका सपोज कीजिए -2 और यहाँ पे आपका है 3, तो ROC जो है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी ये होगी यानी कि -2 से बड़ी और 3 से छोटी, तो ये हो जाएगी आपकी ROC 3, ये आपकी ROC है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट केस में हमारा क्या था, ROC जो थी वो -2 से बड़ी थी, तो -2 से बड़ी थी तो यहाँ -2, तो राइट साइड ऑफ ये इसकी ROC लास्ट वाले सिग्नल की हो गई और ये इस वाले सिग्नल की हो गई है। अब इसी में जो एक हमारा कंक्लूजन जो सिग्नल आएगा जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसको आपको ध्यान से समझना है, वो है XT इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है e^2t ut + e^-3t u(-t). इसके केस में हो जाएगा 1/s-2 और ये हो जाएगा -1/s+3, ये होगा ना, यानी कि हम माइनस आ जाएगा बाकी सेम रहेगा। इसके केस में जो इसकी ROC है वो क्या है, RES शुड बी ग्रेटर देन 2, राइट साइड सिग्नल है तो ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, और इसके केस में RES क्या हो जाएगी, लेस देन -3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि -3 से छोटी है 2 से बड़ी है, यानी कि अगर आप प्लॉट करने लग जाएं कोई चीज 2 से बड़ी हो, तो अगर 2 से बड़ी है तो उसमें -3 तो आ ही नहीं सकता है आपका, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज ही उसमें इंक्लूडेड होंगी ना, तो -3 उसमें आएगा ही नहीं। यानी कि अगर -3 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ROC जो है वो ओवरलैप नहीं करती हैं, और अगर ओवरलैप नहीं करती हैं
तो इस केस में याद रखें, अगर ओवरलैप नहीं करती हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसका कोई एक्सेस नहीं आएगा। इस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें कि आरओसी का ही सब कुछ है कि अगर 2 से बड़ा कोई सिग्नल आपका हो गया है तो वो -3 से छोटा कैसे हो सकता है, यानी कि 2 से अबव ही होगा ना। तो इस केस में आरओसी ओवरलैप आपकी नहीं करेंगी तो इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में इसका आंसर होगा नॉट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सेस। तो होप कि ये जो 3 मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल समझाए हैं ये आपको काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में इतना ही फर्स्ट पार्ट में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, जब भी हम न्यू वीडियो डालें आपको अपडेट मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। कोई क्वेरी या डाउट है तो class.flyhigh@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।